देखिए यहाँ पर 3 दिन पहले यहाँ पर लॉन्च हुआ था एक सेल्फी सेंटर स्मार्टफोन, तो बहुत ही कमाल की सेल्फी लेता है, जिसका नाम है इन्फिनिक्स का हॉट S3। लेकिन साथ ही इसी बजट सेगमेंट में जो प्राइस रेंज में ये फोन आपको मिलता है, वो उसके साथ साथ यहाँ पर शाओमी का रेडमी Y1 भी है, जो कि आपको इसी प्राइस रेंज में मिलता है, जो कि सेल्फी सेंटर स्मार्टफोन बताया जाता है। तो यहाँ पर अगर आप कंफ्यूज हैं कि मुझे दोनों में से कौन सा फोन चूज करना चाहिए, तो आपके नीड्स के अकॉर्डिंग जो दोनों फोन में से कौन सा फोन आपके लिए सुटेबल है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ दोनों फोन्स के कंपैरिजन के बारे में, क्योंकि इस फोन में आपको क्या मिलता है, दोनों फोन में क्या नहीं मिलता है, किसके कंपैरिजन में कौन सा क्या देता है क्या नहीं देता है। तो मेरा नाम है मन प्रताप और मिस्टर वी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आप। उसके बारे में तो लुक्स के हिसाब से मतलब स्क्रीन में आप दोनों फोन को सबसे पहले देखते हैं, तो यहाँ पर 16:9 का रेशियो आपको रेडमी Y1 में देखने को मिलता है, वहीं 18:9 की 5.7 इंच की HD+ आपको देखने को मिलती है डिस्प्ले हॉट S3 में। तो यहाँ पर मतलब 18:9 का एस्पेक्ट रेशियो आपको मतलब फोन के लुक्स को बहुत एनहांस कर देता है, यहाँ पर मतलब फोन काफी अच्छा लगने लगता है, बेजल्स कम देखने को मिलती है और स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने में ऐसा लगता है कि ज्यादा है। तो यहाँ पर मतलब 2018 में मतलब 2017 में बोल वाला चालू हो गया था 18:9 का एस्पेक्ट रेशियो वाला, तो यहाँ पर मतलब फोन्स में आगे आने वाले भी 18:9 का एस्पेक्ट रेशियो साथ होंगे, तो यहाँ पर मतलब खरीदने के लिए मैं डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूँगा 18:9 का एस्पेक्ट रेशियो वाले फोन, 16:9 के एस्पेक्ट रेशियो वाले फोन, मतलब अगर आप आगे टाइम में यूज करने वाले हैं लंबे समय तक, यहाँ पर मतलब चलने वाले नहीं है, कोई ज्यादा मतलब अच्छा फोन नहीं लगेगा आगे लॉन्ग टर्म में अगर आप 16:9 के एस्पेक्ट रेशियो वाला फोन यूज करना चाहते हैं। वहीं अगर हम बात करें दोनों फोन्स के प्राइसिंग की, तो यहाँ पर दोनों ही फोन्स के दो वेरिएंट हैं सेम, जो कि 3GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज और 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज, 3GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट हैं दोनों ही फोन्स के, वो आपको मिलते हैं 9000 रुपये के। और वहीं जो 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज वाले फोन हैं, फोन के जो वेरिएंट है दोनों, वो आपको देखने मिलते हैं 11000 रुपये के। तो मतलब प्राइस बिल्कुल एक्जैक्टली सेम है। वहीं प्रोसेसिंग पावर की बात करें दोनों फोन्स में, तो यहाँ पर आपको हॉट S3 में देखने को मिलता है Qualcomm Snapdragon 430, वहीं आपको थोड़ा अपग्रेड देखने को मिलता है Redmi Y1 में प्रोसेसर के मामले में, जो कि Qualcomm Snapdragon 435, यानी यहाँ मतलब इतना मेजर चेंज नहीं होगा प्रोसेसिंग चिप में, क्योंकि यहाँ पर मतलब क्लॉक स्पीड दोनों ही प्रोसेसर की लगभग आपको सेम ही देखने को मिली है। लेकिन इशू कहाँ पर आएगा तो मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर जो है 430 जो प्रोसेसर है, जो कि आपको हॉट S3 में देखने को मिलता है, वो है थोड़ा 2 साल पुराना, तो इसमें जो मॉडम है वो भी थोड़ा पुराना ही यूज़ किया गया, तो यहाँ पर आपको डाउनलोडिंग अपलोडिंग स्पीड वगैरह जो है वो थोड़ी कम मिल सकती है। लेकिन कंपेरेटिवली मतलब प्रोसेसिंग पावर या डाउनलोडिंग अपलोडिंग स्पीड इतनी ज़्यादा बुरी भी नहीं मिलेगी Redmi Y1 के हिसाब से, उसमें थोड़ी एनहांस आपको मिलने वाली है, लेकिन आप मतलब एक तरह से मैनेजेबल कंटेंट आपको यहाँ मिलेगा प्रोसेसिंग के मामले में। और साथ ही यहाँ दोनों ही फोन्स में आपको डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट देखने को मिलता है, डेडिकेटेड है यहाँ पर, मतलब ये नहीं है आपको या तो दोनों सिम चलाएंगे एक सिम और एक SD कार्ड, यहाँ पर दोनों में डेडिकेटेड सिम कार्ड और माइक्रो SD कार्ड स्लॉट्स हैं, तो यहाँ पर दोनों सिम और एक SD कार्ड को आप साथ में यूज कर सकते हैं। देखिए बात करें सबसे पहले आप कैमरा के बारे में, तो यहाँ फ्रंट में जो कैमरा आपको देखने को मिलता है, जो कि दोनों फोन्स की मेन हाईलाइट है, वो आपको Redmi Y1 में देखने को मिलता है 16 मेगापिक्सल का। और वहीं आप बात करें अगर Infinix Hot S3 की, तो वहाँ आपको देखने को मिलता है 20 मेगापिक्सल का। यहाँ पर सिर्फ मेगापिक्सल में ही काउंट में बेटर नहीं है Hot S3, यहाँ पर जो है आपको फ्रंट में डुअल LED फ्लैश भी देखने को मिलता है, जो कि मतलब Redmi Y1 में नहीं मिलता है, तो यहाँ पर आप रात में सेल्फीज अगर क्लिक करना चाहते हैं Hot S3 से बेटर होंगी। वहीं अगर बात करें रियर कैमरा की, तो रियर कैमरा जो है दोनों में 13 मेगापिक्सल का मिलता है, लेकिन यहाँ पर अपर्चर में चेंज है, अपर्चर जो है वो आपको Hot S3 में बेटर मिलता है, जो कि f/2.0 का, वहीं जो है Redmi Y1 में मिलता है f/2.2 का। तो यहाँ पर रियर से भी आप लो लाइट इमेजिंग बेटर क्लिक कर सकते हैं Hot S3 से। और साथ ही साथ दोनों फोन की बैटरी की बात करें, तो यहाँ पर मतलब बैटरी में भी यहाँ पर Hot S3 थोड़ा आगे है, यहाँ पर आप 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, वहीं Redmi Y1 में आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, जो बैटरी आपको मिलती है वो मिलती है 3080 mAh की, तो मतलब थोड़ा बहुत यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलता है। वहीं हम बात करें एंड्रॉयड वर्जन की, तो यहाँ पर जो है दोनों ही एंड्रॉयड फोन जो फोन है वो एंड्रॉयड पर रन तो करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको Hot S3 देखने को मिलता है ओरियो एंड्रॉयड के साथ, लेकिन यहाँ पर Redmi Y1 जो है वो अभी भी नोगट एंड्रॉयड पे रन करता है। तो फ्रेंड्स जो इकलौता फीचर जो कि आपको Redmi Y1 में देखने को मिलता है, मतलब आगे है Hot S3 पीछे है, तो वो है IR ब्लास्टर या इंफ्रारेड ब्लास्टर, जिससे कि आप जो अपने टीवी की वो AC वगैरह को कंट्रोल करते हैं अपने फोन से ही, वो फंक्शन जो है वो आपको Redmi Y1 में मिलता है, Hot S3 में देखने को नहीं।
नहीं मिलता यहाँ पे। मतलब अगर आप आयर ब्लास्टर जो है आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेली लाइफ में, आप अपने फ़ोन से आप चाहते हैं मैनेज करना अपने टीवी को, अपने एसी वगैरह को, तो यहाँ पर जो है डेफिनेटली रेडमी वाई वन ही खरीदना पड़ेगा या शाओमी को, कोई भी डिवाइस खरीद लीजिए उसमें आपको आयर ब्लास्टर मिलता ही है। थोड़ी सी बात करें ओवरऑल कंक्लूजन की, तो यहाँ पर जो है मैं रिकमेंड करूँगा आपको हॉट S3, चाहे वो प्रोसेसिंग की बात हो, चाहे वो इमेजिंग की बात हो, कैमरा परफॉर्मेंस की बात हो, या बैटरी लाइफ की बात हो, यहाँ पर आप बात कर रहे हैं यहाँ पर एंड्रॉयड वर्जन की, तो यहाँ पर मतलब दोनों सभी कामों में यहाँ पर हॉट S3 ही आ गया। सिर्फ आयर ब्लास्टर के पीछे रहने की वजह से यहाँ पर मतलब हॉट S3 को निगलेक्ट नहीं किया जाता, लेकिन हाँ अगर आप जो है आयर ब्लास्टर पर बहुत ज़्यादा रिलायबल रहते हैं, आपके डेली लाइफ में आयर ब्लास्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने फ़ोन से ही आप टीवी वगैरह को कंट्रोल करते हैं, तो यहाँ पर आप रेडमी वाई वन को खरीद सकते हैं। और मतलब बाकी अगर आप ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें, कैमरा देखें, बैटरी लाइफ देखें, एंड्रॉयड वर्जन वगैरह देखें, तो वो मतलब रेडमी को छोड़ के आपको इन्फिनिक्स हॉट S3 में ही देखने को मिलता है। जो प्रोसेसिंग पावर है उसमें मतलब इतना दिल पे लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है 430 भी अच्छा प्रोसेसर है, आपको अच्छी प्रोसेसिंग पावर देगा। तो फ्रेंड इतना ही था आज की इस वीडियो में, आई होप इस कंपैरिजन के थ्रू आप अंदाजा लगा पाएंगे कि आपको कौन सा फोन खरीदना है, कौन सा आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से सूटेबल है। और नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही हो आपके लिए, आप जो है इसे डिसाइड कर पाए, और ये भी बताइएगा कि कौन सा फोन जो है आप इन दोनों में से खरीदने वाले हैं, डेफिनेटली कमेंट करके मुझे नीचे बताइएगा। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करके बिना कहीं मत जाइएगा यार, हेल्प थोड़ी बहुत कर दीजिए। साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को, मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इस तरीके का और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी न्यूज रोज लेके आता रहता हूँ, तो डेफिनेटली यार आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये भी चाहते हैं कि मेरी वीडियोस मिस ना करें आप, तो साथ ही साथ बराबर में बेल आइकन भी लगे, दोबारा से मेरा चैनल सब्सक्राइब होने के बाद जो है उसके सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए।